कोरोना वायरस है में बकवास ही लोगों का और क्या है। आपने जो भी हमें देख के मास्क लगा लिया फटाफट, ये क्यों लगाते हैं हम मास्क, ये पता है? इसकी वैक्सीन के बारे में कुछ पता है? वैक्सीन तो मोदी सर बोले थे 15 अगस्त को कि वैक्सीन आ गई है, बस उसी लोग को मिलेगा जो मतलब सरकार के जो निजी उपयोग में है, या जैसे पुलिस कर्मचारी होगा, डॉक्टर हो गया, वो सब बंदे को वैक्सीन मिलेगा, आम पब्लिक को वैक्सीन अभी नहीं मिलती। मैम आपको पता है कोरोना वायरस क्या है? नहीं मेरे को नहीं पता। पता नहीं है? नहीं। तो फिर मुंह ढका हुआ है, ये क्यों ढका है? अरे मुंह तो सब ही ढके हैं, तो हम भी ढक लिया है। ऐसे कोरोना वायरस बारे किसे नु नहीं पता, तुहानू पता है? मैं मास्क तो लगाया नहीं मैडम अजे। सरकारा ने एडे वड्डे वड्डे फ्लैक्स लगाते सड़कां ते चौंकां ते लोकां नू जागरूक करन दे लई, पर लोग तो जागरूक है ही नहीं, लोग तो कहते कुछ है ही नहीं कोरोना वायरस, या लोग कहते सानू पता ही नहीं। जब तक कोरोना दे उत्ते नहीं पीतेगी तो उन्होंने पता नहीं लगेगा, ये तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो तुम बिस्तर दे पाओगे हॉस्पिटल दे फिर पता लगेगा। ये कोरोना वायरस क्या है पता है आपको? कोरोना वायरस हले तक सरकार नू नहीं पता, तो सानू की पता होगा जी। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ 125 ਬੰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾੜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सैकड़े अजिहे फ्लैक्स लगा के लोगों नू जागरूक करन दी कोशिश की है, जिस विच किते लिखी है कि खंघ जुकाम जे किसे नू हुंदा है तां अपने करीबी डॉक्टर दे कोल जाके अपनी जांच करवाओ, या ये सुनेहा जिहड़ा तुसी इस बोर्ड ते देख रहे हो मिशन फतेह, मास्क पाउणा ना भुल्लो। लखां करोड़ां रुपए लगे होने ने लोगों नू इस तरीके दे नाल सुचेत करन दे लई। कैप्टन साहब कुछ दिन बाद ही फेसबुक ते लाइव हो के ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। भैया कोरोना वायरस क्या है? क्या हुआ? कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म होना? नहीं नहीं है की है? कोरोना वायरस है में बकवास ही लोगों का और क्या है। अच्छा हाँ, तुहानू डर नहीं लगता ये महामारी? सानू डर लगता जी, ताही मास्क नहीं पाया हुआ। हाँ जी हाँ जी, तुहानू पता कोरोना वायरस की है? नहीं सानू पता तो नहीं, पर डर लगता। डर लगता है? अच्छा, कोरोना वायरस क्या है? मैम इधर कोरोना वायरस कोई नहीं, इधर कोई नहीं है, कोई नहीं। कोरोना वायरस एक महामारी है, ये कोई बंदा नहीं है कि इधर नहीं है? नहीं मैम, इधर अभी इस क्षेत्र में नहीं है। है क्या ये महामारी है? हाँ, क्या है? क्या पता है आपको? ये तो महामारी है मैम। हाँ। ये कोरोना वायरस महामारी है। हाँ। जी, और क्या पता है इसके बारे में? मैम इतना ही पता है, ज्यादा पता नहीं। ये क्यों लगाया हुआ है, रुमाल क्यों लगाया? मैम उसी के सब लोग लगाए हैं, हम भी लगाए हैं। अच्छा, वैसे नहीं पता कि अगर मास्क लगाएंगे तो ये होगा, ना लगाएंगे तो ये होगा, वो नहीं पता? नहीं मैम ये चीज़ पता नहीं। कोरोना वायरस पता क्या है? पता है कोरोना वायरस? हाँ। क्या है? फैल गया है। फैल गया है? भैया फटाफट मास्क लगाया है, पहले लगाया नहीं हुआ था? नहीं मैडम। क्या पता है आपको कोरोना वायरस के बारे में? मैडम सब कुछ पता है, सारे कुछ पता है मैडम। तो बता दो फिर। नहीं क्या बताइए इसके बारे में? क्या है ये? क्या है क्या बताइए इसके बारे में?
जैसे लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस कोरोना वायरस, हम भी समझ के चल रहे हैं। नहीं नहीं वो तो समझ आ गई, ये क्या है, ये एक महामारी है। साल 2020 में पेशेंट्स आने शुरू हो गए थे। ये मैडम है ना, जो मान के चलो कि साल 2020 समझ लो कि एक समझ लो कि एक इतिहास बन गया हुआ है कि मान लो आज तक सरकार ने। आपने जो अभी हमें देख के मास्क लगा लिया फटाफट, ये क्यों लगाते हैं हम मास्क, ये पता है? देखो सरकार ने जो कर रहे हैं उनके मतलब हम चल रहे हैं, बात है। सरकार ने बोल दिया मास्क लगाओ तो मास्क लगा लिया, बस बिल्कुल। मास्क ना लगाएंगे तो क्या होगा पता है? क्या लगे क्या होगा, अब उन्होंने बोल दिया नहीं लगाना तो नहीं लगाए, कोई किस नहीं लगाना। भैया आपको पता कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस मैम एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा हाँ जी, और क्या पता इसके बारे में? बहुत कुछ पता है मैम, बता दो आज सारा कुछ बता दो आज हम। बहुत कुछ पता है मैम, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग अपनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। एक बंदे के टर्च में ना एक आपको हिफाजत करना बहुत अच्छी बात है कि बंदे एक जो दूसरे उसे टर्च में आ रहे हैं। तो मास्क ये नहीं बताया था कि मास्क नोज भी अपना नाक भी कवर होना चाहिए कि मैम ये, हाँ, ये नाक कवर से लेके यहाँ तक अपनी कवर करता है। आपका कवर नहीं था ना इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं ये गिर गया था एक्चुअली, हेलमेट के चलते गिर गया था, ऐसी कोई बात नहीं। और क्या पता है? बहुत कुछ पता है मैम, पूछिए आप क्या पूछना चाहते तो बताएगा अगला। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है? जी ज़रूरी है मैम, क्योंकि ये बीमारी है, एक वायरस है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी तो ये फैल जाएगी। फैल जाएगी हाँ जी। इसकी वैक्सीन के बारे में कुछ पता है? वैक्सीन तो मोदी सर बोले थे 15 अगस्त को कि वैक्सीन आ गई है, बस उसी लोग को मिलेगा जो मतलब सरकार के जो निजी उपयोग में है, या जैसे पुलिस कर्मचारी होगा, डॉक्टर हो गया, वो सब बंदे को वैक्सीन मिलेगा, आम पब्लिक को वैक्सीन अभी नहीं मिलती। ठीक है भैया। तो ये लुधियाना शहर दे गली मोहल्लिया की तस्वीर, बच्चे शायद इन्हों नहीं पता होना ता ही बहुत सारे बच्चों ने मास्क नहीं लगाए हुए। मैम आपको पता है कोरोना वायरस क्या है? नहीं मेरे को नहीं पता। पता नहीं है? तो फिर मुंह ढका हुआ है, ये क्यों ढका है? अरे मुंह तो सब ही ढके हैं तो हम भी ढक लिया है। अच्छा, ये नहीं पता क्यों ढका है। हाँ। बेटा आप अभी मास्क लगा के आए हो, पहले नहीं लगाया हुआ था ना? आपको पता है क्यों मुंह ढकना क्यों जरूरी है? कोरोना फैल जाएगा। कोरोना फैल रहा है, क्या है कोरोना? नहीं पता आपको? पता है? नहीं पता कोरोना वायरस क्या है भैया? कोरोना वायरस ये कैसी बीमारी है, वो ना तो अमीर को देखती है ना गरीब को देखती है। हाँ। भैया कोरोना वायरस क्या है? पता नहीं। मास्क क्यों लगाया? ऐसे ऐसे भैया इतने कोरोना वायरस बारे किसे नु नहीं पता, तुहानू पता है? मैं मास्क तो लगाया नहीं मैडम हजे। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਈਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਆਪਕੋ? ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫੈਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਜ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਵਿਧਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਘਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, TV ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ?
पता नहीं हूँ इन्होंने माँ बाप को पता जी देख लो सारे माँ बाप पता ही इतने रहते बच्चे सारे बेटे तुम मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ हैगा नहीं मास्क नहीं रुमाल हैगा घरे रुमाल रुमाल लगा लो फिर मुंह ही बंद है मुंह ढक के रखना अच्छा इतो नक तो लेके इतने तक बन गया मंत्री चलो बन के आओ आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ हैं नहीं आप जैसे तीन चार लोग इकट्ठे बैठे हो तो मास्क लगाना जरूरी नहीं है भैया कोरोना वायरस क्या है कोरोना वायरस मैडम जी बहुत तगड़ा बीमारी है क्या होता है इससे तो मैडम जी बहुत ऐसे होता है कोरोना वायरस तो मैडम जी बहुत तगड़ी बीमारी है उसके लिए तो मैंने भी बहुत केयर करना पड़ता है हर चीज़ का पर गरीब आदमी है रेडी तो लगा ही रहे हैं जी क्या करा जाए रोटी खाने के लिए नहीं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है इस महामारी के बारे में हाँ जी पता है जी ठीक है हाथ धो रहे हो बार 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 हाथ धो रहे हैं जी ठीक है आपको पता है कोरोना वायरस क्या है कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है बस खाली नाम की बीमारी है क्या कोरोना वायरस तो खाली देखने के लिए बताते हैं मगर बंदा जब मरता है उसको दिखाते तो है नहीं कोरोना वायरस बस खाली दिखाते हैं कि बंदा बीमार हुआ है उसको जो बंदा को दिखा देते बस इतना खाते खाली कहते हैं कि बंदा बस खाली बीमार है उसको कोई भी बीमारी बुखार हो सर्दी जुकाम हो बस खाली बता दें कोरोना है कोरोना ऐसा तो ना होता अरे बंदा मरता है उसकी डेड बॉडी तो दिखाते ही हैं कि बंदे वाले जो मरता है उसके घर वालों को देते हैं और वो भी नहीं देते हैं यही बात है और बाकी कोई बात नहीं है कोरोना दिखाते तो है नहीं क्या है क्या ये पता है कोरोना तो कुछ भी नहीं है बस खाली नाम का खाली बंदे को डरवाना है कि कोरोना है तो सूबा सरकार कहती है कि खुद नू अते बाकियां नू बचाओ दूरी बनाए रखो करोना वायरस नू फैलन तो रोको पर सूबा सरकार ए वीडियो जरूर देख ले कि पंजाब विच रह रहे लोग चाहे प्रवासी ही ने इन्हां विचों कई पंजाब नू बिलोंग करदे होणगे या काफ़ी समय तो पंजाब दे विच रहिंदे होणगे तां की सूबा सरकारां मिशन फतेह दे विच सक्सेसफुल हुई ने कि सूबा सरकारां लोगों नू जागरूक करन दे विच या लोगों नू सुचेत करन दे विच सक्सेसफुल हुई ने लुधियाना शहर दे लोग यही नहीं जानते कि करोना वायरस असल विच है कि तो किस तरह अपना ते दूजियां दा बचाव करनगे ये वड्डा सवाल बनया होया कैमरामैन दर्शन सिंह दर्शी दे नाल सुमन जेटली डेली पोस्ट पंजाबी लुधियाना